अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उबैद और आज के इस वीडियो में हम करेंगे Realme C25 की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट लुक। ये फ़ोन 30,000 की रिटेल प्राइस पे लॉन्च किया गया है और इस फ़ोन में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का AI कैमरा, MediaTek का G70 का गेमिंग प्रोसेसर, 6000 mAh की बड़ी बैटरी और इसके साथ है 18W की फास्ट चार्जिंग। तो चलिए अब करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें अब आते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और ये है हमारे पास Realme C25 का बॉक्स। साइड्स पे Realme की ब्रांडिंग की गई है और नीचे की साइड पे है PTA अप्रूव्ड स्टिकर। फ़ोन का वेरियंट जो हमारे पास आया है वो 4GB 128GB स्टोरेज के साथ है और जो कलर है वो ग्रे कलर है। बॉक्स को ओपन करते ही पैम्फलेट दिया गया है जिसमें हमेशा की तरह Realme की तरफ से वेलकम मैसेज दिया गया है और इसे ओपन करते ही हमें मिलती है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूज़र मैनुअल और एक सिलिकॉन केस। नीचे की तरफ है हमारा फ़ोन जिसे कि अभी हम साइड पर रखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है एक 18W की चार्जिंग ब्रेक और एक USB टाइप सी केबल। तो चलें फ़ोन को अनरैप करते हैं और फर्स्ट लुक लेते हैं। फ़ोन की बैक पे है डुअल शेड पैटर्न जो कि एक यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। Realme ने हमेशा डिज़ाइन में काफ़ी इम्प्रेस किया है और हमें हमेशा इनके फ़ोन में न्यू डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लुक में फ़ोन काफ़ी बल्की लग रहा है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको दिया गया है 6000 mAh की बड़ी बैटरी जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड था। तो चलें आप फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और फ़ोन के फीचर्स का ओवरव्यू लेते हैं। फ़ोन के डिज़ाइन से स्टार्ट करूँ तो Realme C25 में आपको ओवरऑल प्लास्टिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। बैक पे आपको टू टोन डिज़ाइन दिया गया है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है हमारा कैमरा सेटअप, उसके नीचे हमें मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि लेफ्ट साइड पर स्ट्रिप में हमें Realme का ब्रांडिंग दी गई है। फ़ोन की बैक मैट फिनिश के साथ आती है और जिसकी वजह से आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस का भी कोई इशू नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप केस लाजमी यूज़ करें। फ़ोन के ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड पे हैं पावर बटन्स और वॉल्यूम रॉकर्स, जबकि लेफ़्ट साइड पे सिम ट्रे मौजूद है जिसमें आपको डुअल सिम की फुल सपोर्ट मौजूद है। नीचे की तरफ है हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स। इसके अलावा फ़ोन के डिस्प्ले की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसकी रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720p है और बेसिक मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए ओके है। स्क्रीन के टॉप में नॉच में हमें मिलता है हमारा 8 MP सेल्फी कैमरा, जबकि बैक पे 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें है 48 MP का मेन सेंसर, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का ही ब्लैक एंड वाइट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा कैमरा ऐप में आपको सारे बेसिक कैमरा फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि पोर्ट्रेट, स्लोमो, टाइम लैप्स और प्रो मोड जैसे। वीडियो में आप अप टू 1080p 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप इसके कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। परफॉर्मेंस साइड में आपको यहाँ पे MediaTek का G70 प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है गेमिंग में। इसके अलावा डेली यूजर्स में फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा एवरेज यूजर्स के लिए, और अगर आप गेमिंग भी करें तब भी फ़ोन में आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की साइड में यहाँ पे आपको Realme UI 2.0 दिया गया है जो कि Android 11 बेस्ड है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और लास्ट ईयर भी हमने TechCrunch अवार्ड्स में इसे बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑन स्मार्टफोन का अवार्ड दिया गया था। Realme UI में आपको काफ़ी निफ्टी फीचर्स में मिल जाते हैं और अगर आप उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाजमी बता देना मुझे। इस फ़ोन का जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसकी बड़ी बैटरी जो कि 6000 mAh है, और इसके साथ यहाँ पे आपको फ़ोन में 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है। तो ये फ़ोन उनके लिए टारगेट किया गया है जो कि एक एवरेज यूजर्स हैं, फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ में गेमिंग भी इंजॉय करना चाहते हैं। इतनी बड़ी बैटरी के साथ ये फ़ोन आपको ईजीली 2 दिन निकाल जाना चाहिए हैवी यूजर्स के साथ भी। तो दोस्तों ये थी हमारी Realme C25 की अनबॉक्सिंग वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताना। कोई भी सवाल हो लाजमी पूछ लेना। मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।